नमस्कार, मैं सरोज दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल। आज 26 अगस्त है और मैं लखनऊ में देश भारती स्कूल राजाजीपुरम में हूँ। आज भारतीय कृषक दल ने उत्तर प्रदेश के अपने पदाधिकारियों के साथ मिशन 2022 को लेकर के एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों की बदहाल स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 बिंदुओं में सरकार से मांग की है और ये कहा है कि यदि ये संकल्प सरकार पूरा नहीं करती है तो भारतीय कृषक दल इन 5 बिंदुओं को सरकार में आने पर पूरा करेगा। भारतीय कृषक दल ने आज इस बैठक में और ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय कृषक दल अपने पद कार्यकर्ताओं को 2022 विधानसभा का चुनाव 0 बैलेंस पे लड़ाने का काम करेगा। एक तरफ धनबल, बाहुबल, जातिबल, धर्मबल होगा और दूसरी तरफ किसानों के संकल्प के साथ किसान का बेटा 0 बैलेंस पर रावण रति विरथ रघुवीरा की तर्ज पर उन लोगों को चुनौती देने का काम करेगा। भारतीय कृषक दल का संकल्प है कि यूपी में हुंकार और अब की बार किसान की सरकार, इस नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। भारतीय कृषक दल ने अपने कार्यक्रमों का भी प्रदेश के आज विवरण प्रस्तुत किया है। इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़ की बैठक 8 और 9 सितंबर को होगी। 15 को हम बाराबंकी में लखनऊ की बैठक करेंगे और लखनऊ में बैठेंगे। 25 को इटावा में पद मार्च होगा। 28 को फर्रुखाबाद में पद मार्च होगा। 29 को कन्नौज में पद मार्च होगा। 30 को कानपुर देहात में पद मार्च होगा। 5 को शाहजहांपुर में पद मार्च होगा। 7 को मुरादाबाद में पद मार्च होगा। 28 को महाराजगंज में पद मार्च होगा और 1 को हरदोई में पद मार्च और जनसभा होगी। साथ ही 15 तारीख को लखनऊ में पद मार्च के साथ शंखनाद होगा। और भारतीय कृषक दल के नौजवान कार्यकर्ता किसान, ये किसानों के लिए अब पैदल चलेंगे। उनको हक दिलाने के लिए, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को उनका न्याय दिलाने के लिए अब जिलों जिलों में पैदल चलेंगे और जब तक उनको उनका हक नहीं दिलवा देंगे तब तक पूरी तरीके से संकल्प के साथ इस अभियान को चलाएंगे। इन पदयात्रा का, जिन पूरे प्रदेश की पदयात्राओं का संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद यादव को बनाया गया है। साथ ही किसानों की जनसभाओं को और गति देने के लिए पूर्वांचल की जो पदयात्राएं होंगी उनमें आदरणीय विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो हमारे सेवानिवृत्त निदेशक कृषि हैं और भारतीय कृषक दल किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम के अभियान को और गति देने के लिए पदमार्ग के लिए श्री अजय प्रताप सिंह राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सचिव संबल से बिलांग करते हैं, लाठर जी को जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरीके से महाराजगंज में श्री रामचंद्र सिंह, फर्रुखाबाद में श्री दीपेन चतुर्वेदी जी इस कमान को बढ़िया ढंग से संभालेंगे। श्री राजीव सक्सेना जी शाहजहांपुर रैली का पूरा आगाज करेंगे। संघनाद जो होगा, बड़े स्तर की जो रैली है उसको वो विशेष तौर पर देखेंगे। इसी तरीके से युवाओं को जोड़ने के लिए कमलजीत सिंह को पूरे प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने की आज जिम्मेदारी दी गई है और ये सब संकल्प सितंबर और अक्टूबर तक पूरा करने का भारतीय कृषक दल ने निर्णय लिया है। नवंबर से शंखनाद होगा और प्रदेश की 403 सीटों पर भारतीय कृषक दल अपने उम्मीदवार खड़ा